नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है। यहाँ के अलवर जिले में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक बस और ट्रॉली की टक्कर हो गई, जिसमें दो महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी की माने तो दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर कोटपुतली के पास बुधवार सुबह दिल्ली से जयपुर जाते समय स्लीपर बस चालक एक आगे चल रहे ट्रोल में टक्कर मार देता है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि 10 लोग पूरी तरह से घायल हुए हैं। घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें कोटपुतली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका लगातार इलाज चल रहा है। आपको बता दें, हादसे के वक्त करीब 46 सवारियां बस में मौजूद थी। जी हां, राजस्थान के अलवर जिले में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बुधवार सुबह एक बस और ट्रॉली की टक्कर में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, बस में सवार घायलों का कहना है कि सुबह करीब 7:30 बजे हम लोग बस में सोए हुए थे, तभी अचानक तेज धमाका हुआ और देखा कि बस ट्रॉली से टकरा गई। इसके बाद बस में सवार महिलाओं बच्चों में चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही कोटपुतली पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और घायलों को कोटपुतली जिला अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया। पुलिस फिलहाल मृतकों के बारे में जानकारी जुटा रही है कि वो कहां के रहने वाले थे। कोटपुतली थाना प्रभारी ने बताया कि बुधवार सुबह फोन के जरिए उन्हें सूचना मिली कि क्षेत्र के कमरपुरा गांव के पास दिल्ली से जयपुर जा रही स्लीपर बस ओवरटेक करते समय आगे चल रही ट्रॉली से टकरा गई, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बस में कुल 46 सवारी मौजूद थे, साथ ही 10 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका लगातार इलाज चल रहा है। पुलिस घायल लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। जानकारी की माने तो दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर कोटपुतली के पास बुधवार सुबह दिल्ली से जयपुर जाते समय स्लीपर बस चालक एक आगे चल रहे ट्रोल में टक्कर मार देता है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि 10 लोग पूरी तरह से घायल हुए हैं। घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें कोटपुतली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका लगातार इलाज चल रहा है। वहीं पिछले एक महीने की बात करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो या दिल्ली जयपुर हाईवे 48, जहां तेज रफ्तार का कहर रोजाना देखने को मिल रहा है। आए दिन होने वाले हादसों में कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वाहन चालक इन हादसों से कोई सबक नहीं ले रहे।